Today we will discuss over an important chapter of grammar, that is voice. Actually, हम लोग voice पढ़ते क्यों? कुछ तो कारण होगा. इसके पीछे क्या रीजन है और इसका इंग्लिश लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है? इसमें कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यह पढ़ना जरूरी है. दो सेंटेंस लिखता हूं और डिस्कशन वहीं से आगे ले जाऊंगा और होप कि मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप शांति से रहेंगे. I am writing English is written by me. Two sentences I have written. The first one belongs to the active sentences and second one is the passive sentence. कोई भी sentence general subject से शुरू हुई, I से शुरू हुआ. According to I have written am, as it is of present continuous, so that fourth form of the verb is written here. And what is to be written? English. I am writing English. मैं इंग्लिश लिख रहा हूं. एंड सेकेंड वन, इंग्लिश इज रिटन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा लिखी जा रही है. आपको लगा होगा कि दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है. मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं और इंग्लिश मेरे द्वारा लिखी जा रही है. दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है. यहीं से सवाल उठता है कि सर, जब ये वाली लिखें या ये वाली लिखें, बोथ हैव द सेम मीनिंग, सो दैट नो नीड ऑफ लर्निंग द पैसिव फॉर्म. बट आपका कहना गलत हो जाएगा. आपको यह देखना होगा कि सेंटेंस यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हो रही है और पैसिव में सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रही है. अगर सब्जेक्ट है तो भाई सिंपली हर कोई एक्टिव में ही सेंटेंस को रखता है. लेकिन अगर मान लीजिए कि सब्जेक्ट ना रहे, इंग्लिश इज रिटन ओनली, सब्जेक्ट तो नहीं है, अंग्रेजी लिखी जा रही है, मैं सिर्फ इतना ही बोलूं, अंग्रेजी लिखी जा रही है, कौन लिख रहा है, लिखने वाला कौन है, पता नहीं चलता. यदि आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट पता है तो आप एक्टिव में फॉर्म कर लेते हो, लेकिन अंग्रेजी लिखी जा रही है, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तो उसके लिए पैसिव का होना जरूरी है. यहीं से आपको लगा होगा कि नहीं भाई, पैसिव का इंपॉर्टेंस है. सब्जेक्ट है तो कोई भी आदमी सेंटेंस बना देता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट ही नहीं है, काम करने वाला ही नहीं है, वर्कर है ही नहीं और वर्क फिनिश हो रहा है, तो सोचने पर मजबूर हो जाता है इंसान की सेंटेंस को शुरू कहां से करें. तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि सेंटेंस इज टू बी रिटन इन पैसिव फॉर्म. तब पैसिव फॉर्म की जरूरत आ जाती है. बात सही है. तो पैसिव फॉर्म की जरूरत पड़े, हमारे लैंग्वेज में जरूरत है, आपके जीवन में इसकी जरूरत है, तो पैसिव को सीखना पड़ेगा. अब पैसिव सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई जो क्लियर आपके सामने नहीं रखा था. अब मैं रख रहा हूं. पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम कैसे पैसिव में उसको चेंज करेंगे? नहीं, क्योंकि यही ऑब्जेक्ट तो यहां आकर सब्जेक्ट का फॉर्म ले लेता है. ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ कहें कि आई एम राइटिंग
इसका चेंज कीजिए पैसिव में, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन, तो ऑब्जेक्ट रहना जरूरी है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो वी कांट चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। आपने देखा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है तो वह एक्टिव है, अगर ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस है तो वह पैसिव है। तो पैसिव में फॉर्म करने के लिए ऑब्जेक्ट का रहना तो जरूरी है ना। तो पैसिव में चेंज करने के कुछ रूल्स होते हैं, और ऐसे आप सोचोगे कि बहुत बड़ा चीज है, नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, पहले हर कुछ आसान है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो बड़े से बड़े भी प्रॉब्लम आसान हो जाते हैं। और ये तो छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुतों को आसान भी लगेगा, बहुतों को जटिल भी लगेगा, लेकिन मैं जो बता दे रहा हूँ बिल्कुल इजी फॉर्म इसका मैं दे रहा हूँ। आपको कहीं कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चों ने कमेंट में लिखा था मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कि सर बुक में भी चैप्टर को ढूंढा, ग्रामर के बुक में दो तीन बुक्स हैं हमारे पास, लेकिन खुद पढ़ के समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि वाट एवर आई हैव चेंज वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो सही बात है, आपको कोई बताएगा कंफर्म कराएगा कि हाँ यह सही है तो आपके दिमाग में सेट होगा, नहीं तो ऐसे सेट नहीं होता है कि हमने जो बनाया वह गलत है कि सही है, ठीक है। लेकिन देखो आसान सी बात है, आप एक बार रूल समझ जाओगे, घर में भी आप इसको चेंज कर लोगे और आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैंने जो चेंज करा वह सही है। इसको समझने के लिए हम आपको टेंस वाले पार्ट में ले चलते हैं। नाउडेज इट इज कॉल्ड टाइम एंड टेंस, अर्लियर ओनली टेंस इज कॉल्ड, नाउ टाइम एंड टेंस। क्योंकि टेंस वाली चैप्टर में कोई काम होता है, वर्क होता है, अगर काम है और काम हो रहा है तो कोई करने वाला तो जरूर होगा, काम को करने वाला तो जरूर होगा। अगर मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं तो इसमें लिखने वाला कौन है? मैं, आई, वह सब्जेक्ट है। और वर्क क्या है? वर्क क्या है? राइट है, राइटिंग है। आपको थोड़ा सा लगता है कि ग्रामेरियन ने लिखा कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, यहीं पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच्चों के गड़बड़ाते हैं। मैं आसान सी भाषा में आपको बताता हूं, ये वर्कर है और ये वर्क है, ये तो हमारे दिमाग में सेट रहेगा हर वक्त, क्योंकि हर दिन हम लोग वर्क और वर्कर देखते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखता है। एक्चुअली ग्रामेरियन ने लिखा है कि जो काम है वही वर्ब है, और काम करने वाला करता है, नहीं करता, जो काम करता है, यानी जो काम कौन करता है? वर्कर करता है। तो ये इसको दिमाग में सेट करो कि ये वर्कर है और ये वर्क है, आसान हो जाएगा, बात समझना, ठीक है। अब ये वर्क और वर्कर का कंसेप्ट हमको टेंस वाली चैप्टर में मिलता है, टेंस वाली चैप्टर में। मैंने बताया था कि पहले टेंस कहा जाता था, लेकिन मॉडर्न ग्रामेरियन ने इसको टाइम एंड टेंस कहा जाने लगा, क्योंकि आजकल कोई भी घटना, कोई भी काम, वह समय के रिलेशन में होता है, समय के संदर्भ में होता है। नहीं, आप स्कूल आते हो, स्कूल आना एक काम है, आप कब आते हो आपका टाइम लिमिट है, आप खेलने जाते हो आपका वह टाइम से रिलेटेड है, नहीं मैं यहाँ आया मैं टाइम से रिलेट होकर के आया, कोई भी काम अब टाइम से रिलेट हो जाता है, इसीलिए अब के कॉन्सेप्ट में आने लगा टाइम एंड टेंस। तो मैं आपको टेंस वाली चैप्टर में थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ इसको समझाने के लिए। ध्यान देना,
कि टेंस कितने होते हैं? जनरली थ्री, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ऐसे समझे हैं कि एक कार है ये, ठीक है, और उल्टा हो गया। ये एक कार है, ये कार यहां पर है, ये चल के यहां आ गया, ये यहां आ गया, और फिर ये चल करके आगे जाएगा, यहां आ जाएगा। जब ये यहां पर है तो ये पास्ट हो गया, यहां आ गया तो प्रेजेंट हो गया, और यहां आ जाएगा तो फ्यूचर हो जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी चीज, जिस समय हम लोग जिस चीज की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, वह एक्चुअली प्रेजेंट है। अभी हम लोग हैं, प्रेजेंट हैं। पास्ट जो बीत गया, जिसके इम्पोर्टेंस मोटा मोटी खत्म हो जाता है, और फ्यूचर को कोई जानता ही नहीं है कि व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर डेज, फ्यूचर टाइम, फ्यूचर मोमेंट कोई नहीं जानता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस हम लोग रखते ही नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम इज द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। पहले पास्ट हुआ, उसके बाद प्रेजेंट आई, उसके बाद फ्यूचर आएगा, ध्यान देना नहीं। तो ये तीन टेंस को हम लोग जनरली कैटेगराइज करते हैं, एवरी टेंस हैज इट्स फोर फॉर्म्स, तो ऑल दी होल फोर थ्री जा 12 टेंसेस जी है, नहीं 12 टेंसेस हैं, आप लोग जानते भी हैं अच्छी तरह से कि 12 टेंसेस हैं। लेकिन यह ध्यान रखना, उस 12 में ओनली एट को वी कैन चेंज इनटू पैसिव, चार को फोर को नहीं कर पाते चेंज, क्योंकि थोड़ा सा चेंज होने पर वह एबनॉर्मली दिखता है और सुनने में भी लगता है। तो वह एट कौन कौन है पहले उसको नोट कर लेंगे, और वन बाय वन कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कितनी आसान है इस चीज को समझ में आएगी बात। सिंपल प्रेजेंट, एज द सेम सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टोटल नंबर ऑफ टेंसेस आर 12,
और मैंने क्या बताया कि टोटल 12 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ओनली 8 को चेंज कर सकते हैं। वो 8 कौन है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट। देख लीजिए आपका 1 प्रेजेंट में नहीं होता है, पास्ट में 1 नहीं होता है, फ्यूचर में 2 नहीं होता है, यानी टोटल 8 टेंसेस को ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है, ठीक है सर, आपने बताया कि इन 8 को चेंज कर सकते हैं, तो वो चेंज करने के क्या रूल्स हैं जो कि जनरली आप लोग को जानना है? और यह मैं रूल को बहुत लंबा चौड़ा लिखाने वाला नहीं हूँ, कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, कुछ भी ना कहूंगा कि आपको याद करना है, समझना लिखना है। अगर समझ गए जिस चीज को तो याद करने की उसकी कोई जरूरत नहीं, और ये पूरा का पूरा समझने वाला चीज है ग्रामर, सिर्फ समझना है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ लेकर आया, पहली वाली मैं सेंटेंस लिखता हूं टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब हर टेंस का आपको कम से कम 3 चीजें समझनी है, ज्यादा नहीं समझनी, सिर्फ 3 चीजें समझनी है। वो कौन सा 3 चीज है भाई? इंपॉर्टेंट चीज ये तो दिमाग में आता होगा, आखिर कौन सा वो 3 चीज है? वो 3 थिंग्स है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, IM stands for identification marks, यानी पहचान चिन्ह। किसी भी टेंस का पहचान होता है, आपके भी अपने पहचान है, हर चीज का अपना पहचान है, अपनी आइडेंटिटी होता है ना? तो आइडेंटिफिकेशन मार्क। दूसरी चीज होती है टेंस फॉर्म, यानी इस टेंस का क्या फॉर्म होता है। ये जो मेरे मन में जो आया वही बोल दिया और कह दिया आपको कि सिंपल प्रेजेंट का ऐसा नहीं होता है, सबका अपना टेंस फॉर्म होता है, उसके स्ट्रक्चर होते हैं, हर चीज का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। आदमी 2 पैर पर खड़ा होने वाला प्राणी है, गाय बैल वह 4 पैर पर खड़ा होता है, उसका अलग स्ट्रक्चर है, अलग बनावट है, अलग शेप है, सब चीज का अलग अलग होता है। तो आज हम लोग किसी आदमी और जानवर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इनकी बात कर रहे हैं। ये है, इट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये और तीसरी इसके पैसिव फॉर्म, किसके? इस टेंस फॉर्म के पैसिव फॉर्म। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क, कैसे पहचाने कोई भी टेंस कि यह कौन से टेंस का है, तो वो हमको आइडेंटिफिकेशन में मिलता है। मैं लिख दूं, एक इंच विथ ता है, ते हैं, ती है, एटसेट्रा। मैं जाता हूं, ता हूं, वह लिखता है, ता है, तुम लिखती हो, ती है, मैं खेलता हूं, राजू क्रिकेट खेलता है, माया गाना गाती है, मोहन रोज सवेरे जगता है, ता है, ते है। ये सब जितनी सेंटेंस जिसके एंड में आपको ता हूं, ते है, ती है दिखे, तो ब्लाइंडली आप कह सकते हो कि यह सिंपल प्रेजेंट का है ना? सपोज मैंने बोला वह रात में रोटी खाता है, कौन से टेंस का है? ऑब्वियसली, क्योंकि खाता है, ता है, नहीं?
तो आप समझ जाइएगा कि यह सिंपल प्रेजेंट का यह सेंटेंस है, राइट। आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके स्टैंडर्ड बढ़ते जाते हैं तो कॉन्सेप्ट भी मजबूत होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मैं जितनी भी बातें बताऊं, इसको ठंडे दिमाग से समझना, आपको कोई टेंशन नहीं, सब कुछ इजी है, सब कुछ इजी है, बल्कि समझ जाए। ना समझे तो छोटा चीज भी बड़ी बड़ी हो जाती है, और समझ जाए तो हर कुछ आसान हो जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, हिंदी में तो हमने समझ गया, हिंदी के पहचान चिन्ह थे, हिंदी में लिखा है, मैं जाता हूं, वह नाचता है, तुम लिखते हो, रानी गाना गाती है, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो हमको हिंदी से तो अभी सिर्फ इतना ही लेना देना है, लेना देना तो मेनली इंग्लिश सेंटेंस से है, तब ना हम उसको कैसे पैसिव में चेंज करते हैं, बात समझ रहा है। तो वह जो इंग्लिश के स्ट्रक्चर होते हैं उसको टेंस फॉर्म भी बोलते हैं, बहुत लोग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, बहुत लोग टेंस फॉर्म भी बोलते हैं। तो कहता है कि सिंपल प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस होगा तो सबसे पहले वह सब्जेक्ट रहेगा, यानी वर्कर रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में भी वन या भी फाइव रहेगा, रहेगा, ठीक है। अब तो भाई मैंने एक चीज पहले बताया था कि क्या चीज रहना जरूरी है सेंटेंस में, सो दैट वी कैन चेंज दिस सेंटेंस इजीली इनटू पैसिव वन, ऑब्जेक्ट, गुड। वो क्या चीज था, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मैं यहां दे देता हूं, राइट। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, लेकिन कुछ बच्चों ने सोचा कि नहीं पूछते हैं, लेकिन मैं ही बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके दिमाग में कौन सा चीज चल रहा है, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं, नहीं, आप यह दिमाग में आता होगा कि आखिर किसके साथ V1 लगाएं और V5 लगाएं। इस सब्जेक्ट के जगह पर ध्यान देने वाली बात है कि मैंने क्या बताया कि कैसा सब्जेक्ट रहेगा जिसके साथ V1 या V5 का यूज किया जाएगा, कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट के जगह पर क्या क्या होता है। जनरली आप लोग देखते हो कि आई होता है, वी होता है, यू होता है, ही, सी, इट, नेम और दे होता है, ये सब चीज रहता है, जिसको कि कैटेगराइज करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कैटेगराइज कर सकते हैं। बट आज मैं उधर की तरफ नहीं जाऊंगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इतना चीज होता है। अब यहां पर इनमें से यदि कोई आई है तो इसके साथ V1, वी V1, यू V1, ही V5, सी V5, इट V5, नेम V5 और दे V1। अब आपके दिमाग में एक सवाल और चलता होगा, ये V1 और V5 है क्या? इट इज कॉल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज कॉल्ड फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसका? वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। जनरली कोई भी फॉर्म यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को जानना, इस बात को यह जानना जरूरी है, जो कि ध्यान जनरली बच्चे नहीं देते हैं। क्या चीज नहीं देते हैं? उस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आपका ध्यान नहीं जाता है जहां से सारा सिस्टम का खेला होता है, नहीं। अब क्या है कि मैंने दो चीजें लिखी, V1 और V5। कोई भी वर्ब, कोई भी वर्क, वह जनरली फर्स्ट फॉर्म में रहता है। जैसे मान लो प्ले,
फर्स्ट फॉर्म में है और इसको भी फाइव बनाना होगा तो इसके साथ एस या ईएस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। अगर वर्ब अपने मेन फॉर्म में है तो यह प्लूरल है और अगर भी फाइव के फॉर्म में है तो सिंगुलर है। याद रखने भी वन वह प्लूरल है और भी फाइव सिंगुलर है। इसके साथ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं ऐड कर देना चाहता हूं कि अगर किसी वर्ब में एस या ई एस ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? सिंगुलर हो जाता है। लेकिन अगर नाउन के साथ एस या ई एस ऐड कर दें तो वह प्लूरल बन जाता है। जैसे मान लो कि यहाँ तो प्लेज का देखा प्लेज सिंगुलर है, नाउन को एक हम और रख लेते हैं यहाँ पर पेन और इसमें एस या ई एस जोड़ करके मैंने क्या बना दिया पेंस, तो यह क्या हुआ? प्लूरल हो गया। लेकिन प्लेज में एस जुटा तो सिंगुलर हो गया। दोनों उल्टा होता है, नाउन के साथ एस या ई एस आप ऐड करते हो तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड करते हो तो सिंगुलर बन जाएगा। दिमाग में रखने बात बहुत कम देंगे। अब तो ये V1, V5 की समस्या सॉल्व हो गई। अच्छा, अब पैसिव बनाने के रूल क्या होते हैं? मैंने बताया कि बहुत दिमाग खटाने की जरूरत नहीं, बच्चे पहले समझ लेते हैं ये बहुत भारी है, अब वो माइंड में सवार हो गया ये बहुत भारी है, अब उसको इजी बात भी नहीं समझ में आता है। जबकि कोई या डिफिकल्ट चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल इजी गोइंग समझने हैं, आसान सा आप भी दिमाग में सेट कीजिए कि इट इज इजी वन, आसान है। तो देखते हैं, मैंने कहा कि रूल में जो आपका ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ ला लीजिए, ऑब्जेक्ट इन एज ए फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। यही ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा, किस तरह का काम करना शुरू कर देगा? सब्जेक्ट। अब इस न्यू सब्जेक्ट, अब यह नया सब्जेक्ट है ना, पुराने वाले सब्जेक्ट तो ऊपर था, अब यह न्यू सब्जेक्ट हो गया। अब इस नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस में यदि सेंटेंस है तो इज या एम या आर का यूज करते हैं। एज यू नो बेटर, इज सिंगुलर, आर इज प्लूरल, ये आपको पता है। और अब तीसरी फैक्ट्स वो भी ध्यान से समझने हैं कि एक्टिव सेंटेंस में जो वर्ब होता है, जो वर्क होता है, वह डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रह सकता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट है V1 या V5 में रह सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे V4 हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो V3 रहेगा। एक्टिव सेंटेंस में वर्ब अपने अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, लेकिन पैसिव में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में रहता है, वो भी पैसिव हो वह भी थ्री ही रहता है। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। अब यहां पर यह समझने वाला बात है कि ये यहां तो वर्ब है, कोई काम होगा तो काम करने वाला भी होगा, किसके द्वारा हो रहा है, कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है, तुम लिख रहे हो, लिखने का काम तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर बाय का यूज करते हैं। जो काम जिसके द्वारा किया जाएगा वहाँ बाय यूज करते हैं। अब ये वाली जो सब्जेक्ट है ये यहाँ आकर के सब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो मैंने बताया कि ये सब चीज होता है,
लेकिन ये वाला यदि यहाँ पर हम ला लेते हैं तो ये आई मी में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, यू यू में चेंज रहेगा, ही हिम हो जाएगा, सी हर हो जाएगा, और इट इट ही रह जाता है, नेम नेम ही रह जाता है, और दे का देम कर देते हैं। यहाँ यदि ये सब चीज रहे तो जब उसको यहाँ लिखा जाएगा तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। यह है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। ये वाली पर्सनल प्रोनाउन है, नहीं? ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसी के फॉर्म है ये, और भी होते हैं, आई मी माई माइन माई सेल्फ, मैंने शायद तक लिखाया था, हालांकि वो वीडियो में नहीं आया ना, वो गड़बड़ हो गया था, लेकिन आप याद रखने, वो वाली आप लोगों ने तो नोट कर लिया है, उसको याद रखने, उसकी चर्चा मैं किसी और चैप्टर में करूंगा, क्योंकि ग्रामर के एक फैक्ट्स कई सारे चैप्टर से टैग है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं, उससे पता चलेगा कि देखते हैं तो उस तरह इसको हम फॉर्म करते हैं कि नहीं। राजू इट्स, राजू थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब रखने पड़ेंगे, ये नहीं समझना कि वर्ब में एस लगा हुआ है तो प्लुरल हो गया, मैंने अभी तुरंत समझाया सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल रहेगा। ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट में पहला पॉइंट पर जो डिस्कशन हुई वह यही था कि आप सिंगुलर रहिएगा तो हम भी सिंगुलर रहेंगे, आप प्लुरल रहिएगा तो हम भी प्लुरल रहेंगे, दिस इज द एग्रीमेंट, एंड द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं ऐसे चैप्टर को। उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा और आपको बताऊंगा कि उस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैंने सिंगुलर वर्ब रखी, अगर यहां दे रहता तो यहां पर क्या लिखते, इट, अगर यहाँ पर यू रहता तो क्या लिखना होता, अगर आई रहता तो क्या लिखने होते, आई इट, राजू इट्स, क्या खाता है राजू भाई, बनाना खाता है, अच्छा हम बनाना ही खिलाएंगे, सस्ता ये कौन से टेंस का है भाई, सिंपल प्रेजेंट के, ठीक है। अब इसको आपको पैसिव में चेंज करना है तो मैंने क्या बताया, पहले किसको लिखी जाती है, बनाना, तो मैंने लिखा बनाना है या बनानाज है, क्योंकि एस लगा हुआ है, नाउन के साथ एस लगे हुए हैं तो प्लूरल हो गया, लेकिन वर्ब के साथ एस लगा हुआ है तो सिंगुलर, तो बनाना। अब बताया कि नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इन तीनों में से रखने पड़ेंगे, जब प्लूरल है तो आपको मैंने इंडिकेट कर दिया है कि ये आर रखने हैं, ठीक है। और कोई भी पैसिव हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है, थर्ड फॉर्म में रहता है, तो ईट के क्या हो जाएंगे, ईटन, और उसके बाद हम क्या लगाने हैं, और ये देखिए राजू है, नेम को क्या चेंज करते थे, तो यहाँ पर मैं इसको राजू ही लिख दिया, कोई दिक्कत, तो
सिंपल प्रेजेंट पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, नेक्स्ट डे आगे इसको ले जाऊंगा, आप लोग सिंसियर रहें।